हर हर महादेव फ्रेंड्स, आज है रविवार और रविवार से ही काफ़ी भीड़ लग गया है। सुबह के फ्रेंड्स 8 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं श्री काशीनाथ के गंगा द्वार। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर जो पुलिस वाले हैं वो ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि यहाँ पे अब एक लाइन लगाई जा रही है विश्वनाथ मंदिर के पास और यहीं से आप सभी दर्शन करने जाएंगे लाइन वाइज करके। ये देखिए सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं दर्शन करने के लिए। फ्रेंड्स दर्शन करने के लिए लोग यहीं पे खड़े हैं और यहीं से होकर धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ेंगे। और उधर आप सभी को पता है कि रिडेवलपमेंट का काम हो रहा है मणिकर्णिका घाट पे, तो उधर लोगों को कम ही जाने दिया जा रहा है। ये देखिए पूरा जो लाइन है, आइए दिखाते हैं आप सभी को कैसे कैसे लोग यहाँ पे पूरा लगे हुए हैं। और ये पूरा लोग हैं, आदमी हैं, वो लग के दर्शन करना चाहते हैं। सभी लोग इसी में बने हैं। फिर कहाँ तक लंबी लाइन लगी हुई है केवल मंदिर में दर्शन करने के लिए। घंटों बाद भले ही नंबर क्यों ना आए लेकिन फिर भी लोग लाइन में लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए। विश्वनाथ मंदिर से ये ललिता घाट और ये लाइन बढ़ती ही जा रही है। देखिए पूरा जो लाइन है लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए जो लोगों का आना है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हर कोई चाहता है विश्वनाथ मंदिर में एक बार मत्था टेके दर्शन कर सके। संकल्प टावर की वजह से यहाँ पे लगे हुए लोग। ये देखिए आँख अभी काफ़ी अच्छे सजाए गए यहाँ पे। समय पुलिस वाले काफ़ी मुस्तैद हैं और लोगों को फालतू इधर उधर नहीं घूमने दिया जा रहा है। बहुत मेहनत कर रहे हैं पुलिस वाले। मैंने कितना ज़्यादा लाइन लगा हुआ है पूरा टोटल। तो हर लोगों को मना किया जा रहा है इधर उधर ना भटके। देखिए कैसे लाइन पूरा लगा हुआ है। तो लाइन की शुरुआत ये देखिए कैसे कैसे हो रही है। बहुत ही ज़्यादा लोग लगे हुए यहाँ पे दर्शन करने के लिए। फ्रेंड्स कैसे ऐसे लाइन लगती हुई वहाँ तक गई। और फिर यहीं से वो रेलिंग के पास से ऊपर चढ़ाया जाएगा और विश्वनाथ मंदिर में आप सभी दर्शन कर सकेंगे। ये पूरा ललिता घाट तो यहाँ से ललिता घाट से आप सभी को हम दशाश्वमेध घाट की तरफ जाने के लिए बताएंगे कैसे आप जाएं। तो इसी रास्ते से आसानी से आप सभी जा सकते हैं। ये देखिए काफ़ी लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। फ्रेंड्स देखिए दुकानें लगी हुई हैं इसी पे, माला फूल लॉकर सब कुछ रख सकते हैं यहाँ पे। ये पूरा प्रोसेस है वो देख सकते हैं बढ़ता ही जा रहा है। ये पूरा देखिए इधर आदमी ही आदमी दिखाई दे रहा है पूरा। और यहाँ पे है नेपाली मंदिर, यहीं से आप सभी ऊपर जा सकते हैं। लेकिन इस समय जो द्वार है वो अभी बंद किया गया है। ललिता घाट है ये, पर तमन्ना भाटिया बाहुबली की हीरोइन भी आ चुकी हैं
प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे नेपाल के प्रधानमंत्री हो, वो सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। नहा के धोकर यहाँ सब लोग आ रहे हैं और दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो लोगों के आने का सिलसिला जो है वो बहुत ही ज्यादा है, जो भीड़ है वो बढ़ती ही जा रही है। देखिए कोई बाहर से आ रहा है तो कोई यहीं का है। यहीं के जो लोग हैं वो काफ़ी कम दर्शन करते हैं, जो पास के होते हैं फ्रेंड्स वो दर्शन नहीं करते हैं, जो दूर से होते हैं वो सोचते हैं एक बार क्यों नहीं दर्शन हो जाए तो भाग खुल जाए। आप सभी को पता होगा कि दूर दूर से ही लोग काफ़ी आते हैं। ये देखिए लोग स्नान ध्यान करके जा रहे हैं दर्शन करने के लिए यहाँ पे। सब गेस्ट हाउस है पूरा, यहाँ पर सभी रह सकते हैं। तो ये देखिए हर हर महादेव का उद्घोष करके लोग यहाँ पे आए हैं दर्शन करने के लिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए ये प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया है, लगभग कई घाटों पे आप सभी को देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आए हैं यहाँ पे। यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है स्नान करने में। ये सभी गेस्ट हाउस हैं, यहाँ पे आप सभी आसानी से बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर वगैरह भी दिया गया है और बुक करना है तो कमेंट भी कर सकते हैं, मैं बुक करा दूंगा फ्रेंड्स आप सभी के लिए। ये देखिए वहाँ कपड़े बदलने के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी सुविधाएँ जो है प्रधानमंत्री मोदी ने लगा दी हैं। यहाँ से अंदर से स्नान करिए और वहाँ पे जाके कपड़े आसानी से बदल सकते हैं आप सभी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और ये जो कूड़ा करकट है ये नगर निगम द्वारा ले जाया जाता है, तो इस गंदगी की चिंता ना करिए आप सभी, प्रधानमंत्री मोदी ने लगा रखा है वर्करों को। ये देखिए पूरा नज़ारा कैसा लग रहा है। यहाँ से आप सभी ऊपर जा सकते हैं। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो आए हैं दर्शन करने के लिए। तो ऐसे सीधे आप सभी दशाश्वमेध घाट गंगा जी का भव्य आरती देख सकते हैं, जहाँ पे विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती होती है। ये कुंड टाइप बना दिया गया है, एक्चुअली में यहाँ पानी लीक हो रहा था इसी वजह से खुदाई हुआ है। यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं। ये देखे छोटे वाले शंकर जी बने हैं। तो बारही घाट हम आ चुके हैं और यहाँ आप देख सकते हैं ढेर सारे जो लोग हैं वो आए हुए हैं। और हमेशा यहाँ भीड़ तो लगा ही होता है, आप सभी को बखूबी पता होगा फ्रेंड्स।
कुछ लोग दर्शन करने आते हैं तो कुछ लोग घूमने आते हैं और कुछ लोग गंगा आरती देखने के बहाने आ जाते हैं, इन घाटों का मज़ा लेते हैं, घूमने के लिए आते हैं। ये बहुत ही अच्छा घूमने का प्लेस है जो कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से लगाया गया है, जो कि मान मंदिर घाट है। इसी में ये मान महल, एक मान सिंह जो राजा हुआ करते थे उनका ये किला था फ्रेंड्स, और इस किले के अंदर आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई जाएंगी मात्र 25 रुपये में। और बगल में डॉल्फिन रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप सभी जाएंगे तो आप सभी को रश्मि गेस्ट हाउस के साथ ही साथ रेस्टोरेंट का भी आनंद लेने का मज़ा आएगा, वो भी गंगा घाट पे आसानी से। वो जो देख रहे हैं ना आप सभी, वहाँ पे जाके आसानी से बैठेंगे और सभी जो नज़ारे हैं वहाँ सभी देखते हुए भोजन का आनंद उठा सकेंगे। हाँ विकास बोलो। नहीं, थोड़ा सा आगे ले चलते हैं हम सभी को। तो नाव की भरमार हो गई है फ्रेंड, देख सकते हैं रोज़ नए नए नाव भी बन रहे हैं और यहाँ पे लोगों का आना तो है ही, लेकिन यहाँ लोगों की संख्या जो है वो बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ रही है जो आप सभी कल्पना नहीं कर सकते। लगभग यहाँ पे हज़ारों नावें हो गई हैं और देखिए इधर नाव बन भी रहा है, भीड़ भी बढ़ती जा रही है, नाव भी बनते जा रहे हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा जो लोग हैं वो आते ही जा रहे हैं। यहाँ पे आइए चलते हैं नीचे। साफ सफाई तो है लेकिन यहाँ के लोगों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसके कारण यहाँ पे लोग गंदगी का जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा कर ले रहे हैं। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट करें फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा मुझे। देखिए कोई नहाने आया है तो कोई घूमने आया है, भीड़ों को देख के काफ़ी अच्छा उत्साह जगता है कि चलो अच्छा बनारस में इतने मतलब लोग आ रहे हैं विश्वनाथ मंदिर की वजह से। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, प्रधानमंत्री मोदी ने सब मुमकिन कर दिया है एकदम। कौन सी भाषा बोल रहे हैं पता नहीं फ्रेंड्स, मुझे तो कुछ समझ में नहीं है, आपको आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। देखिए देखिए क्या क्या बोल रहे हैं, क्या बोलें फ्रेंड्स, आप सभी कमेंट करिए। लोगों का जन सैलाब जैसे होता है, मेला जैसे होता है, मेले से भी अधिक कहीं भीड़ लगा है यहाँ पे। एक फोटो लेके आ, सवारी तू लेके आ। ये देखिए यहाँ पे नमामि गंगे के थ्रू यहाँ पे अपने घर आंगन के साथ माँ गंगा को रखे साफ स्लोगन के साथ ये साफ रखना ही पूजा है। काफी अच्छा जो नज़ारा है, यहाँ पे लगाया गया है तो देखिए पूरा घर गंगा आरती होती है, जो कि यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ लगा हुआ। देखिए देखते रहिए आप, केवल भीड़ गिनते रहिए, देखिए कितने लोग आए हैं यहाँ पे, एकदम से मेला हो गया है, कोई जगह खाली नहीं है, कहीं ना कहीं से आए जा रहे हैं, जो खाली जगह है उसे भी भर ले रहे हैं।
पंजाब, राजस्थान, दक्षिण भारत, विदेशों से भी लोग यहाँ पे किए चले आ रहे हैं। ये देखिए कैसे लोग जो हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। देखिए नागर साहब ने उसका अपने भी बोल रहा है। ये देखिए पूरा जो नज़ारा है, कैसा नज़ारा, पूरा देखिए पूरा जो नज़ारा है वो कैसा लग रहा है। और सभी जो लोग हैं वो काफ़ी दर्शन करने आए हैं लोगों के साथ। इधर से ले चलते हैं आप सभी को दशाश्वमेध घाट प्लाजा। देखिए यहाँ पे मूत्रालय बनाया गया है, टॉयलेट, और ये अपना गंडोला। तो हम आ चुके हैं दशाश्वमेध प्लाजा। ये है गोदलिया रोड, गोदलिया चौक जाएंगे। ये देखिए गंडोला आ गया है। अपने देश का दूसरा सबसे यूनिक चीज है ये बनारस में गंडोला। तो फ्रेंड्स ये है फूड कोर्ट, ये पूरा नया देख सकते हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा। अच्छा प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हर महादेव के सपोर्ट।